गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको एक चैलेंज क्वेश्चन मिला था, ठीक है। आइए हम पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या था देखिए, फाइंड द मास ऑफ H2O प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर हैविंग CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। तो देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि देखिए जब हम एसिटिक एसिड को क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, हाँ, तो सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, दिस विल बी आवर सॉल्यूट एंड दिस विल बी आवर सॉल्वेंट। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, क्वेश्चन है हमें क्या निकालना है, मास ऑफ H2O निकालना है। हमें क्या क्या दिया है, 2 मोलर, मोलैलिटी दिया हुआ है, यस, मोलैरिटी इज गिवन, कैपिटल M इज 2 मोलर। आप चाहे 2M लिखिए या 2 मोलर लिखिए, या फिर आप चाहे तो इसको 2 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, लास्ट क्लास डिस्कशन हो गया था यूनिट का, ठीक है। और क्या दिया है, हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन 500 ऑफ मिलीलीटर, डेंसिटी इज ऑल्सो गिवेन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, आप चाहे तो D3 लिख लीजिए। अब देखिए, आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, इनके पीछे एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला। हाँ, क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी कितना दिया है आपका, 1.2 वैल्यू रख दीजिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, W3 लिखते हैं ना। हाँ, सॉल्यूट को क्या लिखते हैं, W2, ध्यान रखना है, सॉल्यूट को हम क्या लिखते हैं, W2, सॉल्वेंट को हम क्या लिखेंगे, W1, और सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे हम, W3। ऐसे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, V3, ये दिया है ना, इसकी वैल्यू जुड़ा के 500। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको W3 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 500 × 1.2। इसको सॉल्व कर दिए, देखिए आपको कितना आ जाएगा, 600 ग्राम। क्यों ग्राम में आया, क्योंकि मेरी डेंसिटी किस में दी थी, ग्राम पर मिलीलीटर में, और मेरी जो वॉल्यूम थी वो भी किस में थी, मिलीलीटर में। तो जाहिर सी बात है फिर मास किस में आएगा, ग्राम में। तो ये तो आ गया W3। अब देखिए हमें क्या निकालना है, W1, सॉल्वेंट का मास निकालना है ना, सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, W1। अब देखिए मेरे पास एक छोटा सा रिलेशन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, क्या होता है वो, W1 प्लस W2 विल बी इक्वल टू W3, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, मान लीजिए 4 ग्राम सॉल्यूट है और 10 ग्राम सॉल्वेंट है, मिलाने के बाद सॉल्यूशन कितना बनेगा, 14 ग्राम। वही चीज़ है, यानी कि देखिए हमें सॉल्यूशन पता है, सॉल्वेंट निकालना है, अगर सॉल्यूट मिल जाए, मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाए, तो हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अब हमारा टारगेट क्या होगा, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, उसके लिए हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। अरे मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, गुड, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, N1 या N2, हाँ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए सॉल्व करते हैं, मोलैरिटी दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ रख देंगे हम 2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे N2 अपॉन, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, लीटर में, लेकिन हमें जो दिया है वो किस में है, मिलीलीटर में। क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। अब ये क्या बन जाएगा, लीटर, ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल, ये बन जाएगा 1/2, इसको लिखेंगे हम 1/2, ये क्या हो गया हमारा, 2 इज इक्वल टू। अब देखिए ये अपॉन का अपॉन है ना, ये वाला टर्म, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये बन जाएगा 2 × N2, अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 2/2, यानी कि 1। अब हमें ये बताइए N2 क्या है, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया क्या हम मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो लेकिन हमें मालूम है एन टू की वैल्यू कितनी आई है, 1 मोल। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, डब्ल्यू टू यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए जब मोल से मास निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ, तो लिख देंगे एन टू इन टू मोलर मास, किसका लेंगे, जिसका मोल्स दिया था उसी का मोलर मास भी लेंगे। तो एन टू का किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ। तो देखिए एन टू तो हमें मालूम है 1। अब हमें चेक करना होगा कि मोलर मास कितना आएगा सॉल्यूट का। तो देखिए सॉल्यूट कौन सा दिया हमें, एसिटिक एसिड दिया है ना, CH3COOH। इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करिए, देखिए 12, 3, 15, 12, 27, 16, 33, 16, 59 + 1 सॉल्व कर देंगे तो इसका मोलर मास आता है 16 ग्राम। मल्टीप्लाइड बाई 60 ग्राम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल गया, दिस इज द मास ऑफ, बताइए। हाँ, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पहले ही निकाल लिया था आपने, कितना आया था 600 ग्राम। अब हमसे पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो लिख लीजिए अपना रिलेशन, W1 + W2 should be equal to W3। W1 हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस W2 आपको मालूम है कितना दिया है, आपने कैलकुलेट किया ना 60, ये कितना है 600, क्योंकि आपको W1 निकालना है। तो W1 को यहीं रहने दीजिए, इधर 60 को लेके आइए, माइनस 60 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा 540 ग्राम। ये था आपका आंसर। आपके माइंड में जनरली क्लिक नहीं किया, आपने क्या किया है, कुछ लोगों ने बस वो 60 ग्राम लाके छोड़ दिए होंगे। आप ध्यान से बताइए 60 ग्राम किसका आंसर था, हाँ दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। वो एसिटिक एसिड हमने कितना मिलाया उसका मास था 60 ग्राम, लेकिन हमसे पूछा गया था कितने ग्राम वाटर में उसको मिलाया गया था। चलिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, कर सकते हैं अब, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ये आप फटाफट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर हाँ आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप पीडीएफ से देख लेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कीवर्ड्स में हम जो कुछ भी लिखाएंगे बहुत बार वो चीज़ें बहुत आसान होंगी, बहुत बार नई भी हो सकती हैं, लेकिन कीवर्ड्स का लिखाने का मतलब एक होगा कि आपको ये चीज़ें आज के बाद क्लियर होनी चाहिए। देखिए कई बार सॉल्यूशन में आपको सिर्फ मोलर लिख देगा, ऐसे लिख देगा एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डेसी मोलर डीएम, तो आपको इसका मतलब समझ में आना होगा ये क्या कहना चाहता है। देखिए अगर सिर्फ मोलर लिखा है, सिर्फ मोलर लिखा है तो उसका मतलब क्या कह रहा है, वो मोलैरिटी कितनी होगी 1। अगर वो कहे सेमी मोलर, सेमी का मतलब हाफ, तो देखिए मोलैरिटी क्या हो जाएगी m/2 यानी कि हाफ, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। अगर वो कहे डेसी मोलर, हाँ तो डेसी को क्या करते हैं अपॉन 10, सो m/10 या फिर 0.1। या फिर आपको डेसी का रिलेशन याद होगा, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो वहाँ प्रीफिक्स सिखाए थे, डेसी का रिलेशन कितना होता है 10^-1 का, आएगा ना। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। अगर आपसे कहते सेंटीमोलर तो कितनी आ जाएगी m/100 यानी कि 0.01। अगर आपको दे देता बताइए मिलीमोलर तो आप क्या लिखेंगे 10^-3 मोलैरिटी दिया हुआ है। फिर ये आपको छोटी सी वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कैलकुलेट करना क्या है इसमें, बस आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में आपको साफ साफ मोलैरिटी ना देके ऐसे दे दिया जा सकता है, तो आपको वो वैल्यू वहाँ से निकालने आनी चाहिए। चलिए कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फ्रॉम वेट बाई वेट परसेंट एंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। अब देखिए ये एक अच्छा सा टर्म है, अब हमें इस टर्म को सीखना पड़ेगा। कई बार हमारे क्वेश्चन में सिर्फ वेट बाई वेट परसेंट दे देगा या वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे देगा, मोलैरिटी पूछ लेगा, या फिर हमसे मोलैरिटी दे के वेट बाई वेट परसेंट या वेट बाई
वॉल्यूम परसेंट पूछा जा सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, हम पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसी की हेल्प से आगे हम इसको डिराइव कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है। इफ़ W बाई W परसेंट इज गिवेन 80 एंड डेंसिटी इज गिवेन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ये डिटेल्स दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स आइडिया, जब भी आपको वेट बाई वेट परसेंट दिया है इसका मतलब ये क्या कर रहा है, हाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है 80 ग्राम। अगर W बाई W परसेंट की वैल्यू देता 35, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 35 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। तो आप तो एक तो पहले वही बेसिक सा तरीका यूज करिए, क्योंकि जब तक आपको रिलेशन नहीं पता रहेगा या फिर रिलेशन पता होने के बावजूद आप भूल गए तो आपकी कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। तो आप लिखेंगे लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, देन मास ऑफ सॉल्यूट विल बी, क्योंकि यहाँ 80% दिया है इसलिए इसका मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा 80 ग्राम, इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए अगर आप इतना कर सकते हैं तो बताइए क्या हम यहाँ से, क्योंकि डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, चलिए निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D3 विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। D3 की वैल्यू कितनी दी है 1.2, यहाँ रख लीजिए 1.2 इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने माना है कितना 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हमें निकालना है। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए V3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100 अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे 12 नहीं ये 1.2 है ना, ये 1.2 इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए हो जाएगा 1000 अपॉन 12। ये बताइए 1000 अपॉन 12 यूनिट क्या आएगी, डेंसिटी आपको किस में दिया था ग्राम पर मिलीलीटर में, मास आपने किस में लिखा है ग्राम में, तो बताइए वॉल्यूम किस में रहा होगा, हाँ मिलीलीटर में। तो ये वैल्यू आ गई हमारी इतनी मिलीलीटर। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो हमें वॉल्यूम को किस में रखना पड़ेगा, हाँ लीटर में ना। तो देखिए जब भी आप मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट, आप क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से। तो देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से, ये क्या बन जाएगा लीटर, डिवाइड पे 1000 कर दीजिए तो अपॉन 1000 आ जाएगा नीचे, इससे ये कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगी 1/12, ये वैल्यू किस में होगी आपकी लीटर में। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V3 है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 भी है, कितना है 80 ग्राम, और हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है, निकाल सकते हैं। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, मोलैरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए अभी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, इसको भी यहीं कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये इरेज कर देते हैं अब हम, बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, अगर मोल्स दिया हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 80 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है आपका, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखिए मोलर मास कितना आएगा, सोडियम 23 ऑक्सीजन 16, 39 प्लस 1 दैट इज 40, इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएगा ना। तो बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, ये कितना आ गया 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने कैलकुलेट किया था लीटर में कितना आया 1/12, इसको लिखिए 1/12। अच्छा ये 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा 2 × 12/1, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मोलर। कर सकते हैं, आसान था, चलिए एक तो रहा ये तरीका जो कि बिल्कुल बेसिक सा है, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये है आपका फर्स्ट मेथड।
देखिए ये रहा आपका कंप्लीट मेथड यहाँ तक, और ये आपका आंसर आ जाएगा 24 मोलर। ये तो कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, क्या हम इसको और छोटा सा कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या है देखिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा फिर, आपको वैल्यू रख दिए 10, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था 1.2 इनटू वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया था 80 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था 40। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 मोलर। अब देखिए उसके लिए हमें दो पेज लगा, ये तो हमारा दो लाइन में हो गया, लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करना होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा जनरली हमारे जो क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं उस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किस में दिया रहता है, मिलीलीटर में, किस में, हाँ मिलीलीटर में ना। तब एक काम करिए इसको मिलीलीटर बनाइए, उसके लिए क्या करेंगे आप N2, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लीटर को जब मिलीलीटर बनाते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का तो फॉर्मूला आपको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम बनता है। जब वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनता है मास अपॉन डेंसिटी, क्या बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम को भी हटा दीजिए, अब वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख लें, मास अपॉन डेंसिटी दैट इज W3 अपॉन D3। अच्छा इसके नीचे वाला D3 कहाँ जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 का फॉर्मूला बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं क्या। तो देखिए हम इसको लिखेंगे अब W2 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास। अच्छा इसका अपॉन कहाँ चला जाएगा, नीचे, हमने यहाँ लिख दिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि MM2 इंटू D3 इंटू 1000 अपॉन W3। ये रिलेशन मिल गया हमें किसका, मोलैरिटी का, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसके बाद आप क्या करें, मोलैरिटी को लिख लीजिए, ध्यान से देखिए W2 अपॉन W3, हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख लिए, ये देखिए W3 अपॉन W3 इंटू 100, अगर हम साफ साफ लिखे आपको, तो देखिए वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा आपको, हाँ क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि W2 अपॉन W, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W3, क्योंकि आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई क्या लिखते हैं 100, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है तो ये वैल्यू भी इसके इक्वल होगी, होगी ना। अब ध्यान से देखिएगा क्या यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है W2 अपॉन W3 इंटू 100, हाँ इसीलिए हमने 1000 को 100 इंटू 10 में लिखा ताकि ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाए। अब देखिए हम इन तीनों को हटा के क्या लिख देंगे, W/W% लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बचा, एक तो बचा D3 यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और क्या बचा, ये तो गायब हो गया, क्या बचा हमारा 10 अपॉन, नीचे देखिए क्या बचेगा, ये W3 तो चला गया, क्या बचा सिर्फ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बन गया आपका फॉर्मूला। आपको डेरिवेशन बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, बस देखिए समझिए और भूल जाइए, बस आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो आप 2 मिनट में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, आप कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अगर हमें वेट बाई वॉल्यूम का रिलेशन निकालना होता तो उसके लिए भी देखिए फॉर्मूला बना सकते हैं आप। अब आप उसके लिए क्या करिए, फिर से मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V3 इन लीटर। सी ये तो हो गया ना, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर से लिखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम, इस लीटर को क्या बना देंगे, मिलीलीटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, वैल्यू मिलीलीटर में ही दी रहेगी, तो बस मल्टीप्लाई बाई 1000। ये 1000 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके अपॉन वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, या फिर आप चाहें तो लिख लीजिए। देखिए W2 अपॉन क्या मिल जाएगा आपको, मोलर मास ऐसे मिलेगा इनटू 1000 अपॉन V3, ये मिलेगा ना। अच्छा इसका अपॉन का अपॉन है, ये टर्म कहाँ चला जाएगा, नीचे, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको बार बार नीचे लिखेंगे। तो इस वैल्यू को आप उठा के नीचे रख लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V3। अब ये किस में है, मिलीलीटर में है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। हाँ वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार, ये तो हो गया ना। वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V3 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हमें अगर ये टर्म दिख गया तो उसके जगह हम वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो देखिए वही टर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब एक तो ये दिख गया, दूसरा ये भी दिख गया, और 1000 को हम क्या लिख लें, अब 100 इंटू 10 लिख लें, तो यहाँ से हमें 100 भी दिख जाएगा। इन सब को हटा दीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, ये तीनों हट जाएंगी, तो ये बन जाएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ऊपर क्या बचा इंटू 10 अपॉन बच जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला भी किसका बन गया आपके, मोलैरिटी का। ये फॉर्मूला कब आप यूज करेंगे, जब आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हो, और वो वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, हाँ जब आपको क्या दिया रहेगा, W/W परसेंट दिया रहेगा, या W/W परसेंट निकालना हो कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन नहीं, आपको तो बस ये याद रखना फॉर्मूला, एक बात। दूसरी बात, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि सर कैसे किए हैं, आपको याद ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके एक बार माइंड में ये बैठ गया तो फिर तो आप जब मर्जी इस फॉर्मूले को भी अपने से बना सकते हैं। चलिए ये तो हो गया था ना। अब देखिए हमारे पास फिर से वही रिलेशन जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज दिखा हुआ है यहां पर। अभी मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बनाए थे ऊपर वाला, उस फॉर्मूले में भी अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी होती है, W/V की। तो इसके जब आप क्या लिख सकते हैं, W/V लिख सकते हैं। तो आपको देखिए रिलेशन में क्या मिलेगा, मिलेगा आपको मोलैरिटी M=10×W/V परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या यही डेरिवेशन हमने पीछे भी किया था? हाँ, वहाँ एक और तरीका हमने यूज किया, यहाँ पे कुछ और तरीका। एक्चुअली अगर आपको याद होगा तो पीछे जब हम आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ाए हैं सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म, तो वहाँ पे आपको बताए थे कि जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होता है दैट इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये वहाँ लिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों एक साथ दिख रहे थे, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी, हम इसको हटा के वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट वे में किया गया है और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। चले अब क्वेश्चन टाइम है, एक क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है? हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं फिर आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इज दैट यू नीड टू कैलकुलेट वेट बाई वेट परसेंट एंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इफ देयर इज अ सॉल्यूशन विच मोलैरिटी इज 2 मोलर, यानी कि मोलैरिटी आपको दिया हुआ है, एंड डेंसिटी 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर,
एंड द सॉल्यूट इज एसिटिक एसिड CH3COOH। आपको क्या करना है, आपको इसका वेट बाई वेट परसेंट निकालना और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। फटाफट वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। कर लिया आपने, आइए डिस्कस करते हैं। तो क्या करना है आपको, बस फॉर्मूला लगाना है। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला, पहले अगर आपको वेट बाई वेट निकालना है तो वो लिख लीजिए, अगर वेट बाई वॉल्यूम निकालना है तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पहले लिख लिया वेट बाई वेट परसेंट का, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंटू वेट बाई वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोलैरिटी तो हमें दिया है कितना, 2, 10 नंबर रख देंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है कितना, 0.8 इंटू वेट बाई वेट परसेंट कितना दिया है, अच्छा वो तो कैलकुलेट करना है, उसको वैसे रहने दीजिए, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट देखिए हमारा क्या है यहाँ पर CH3COOH, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 60 ग्राम। फिर क्या करेंगे आप, इनको सॉल्व करके वेट बाई वेट परसेंट की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 15%। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल मैथ्स से लगा के कर सकते हैं। अब जब आपको वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना हो तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या था वो, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि MM2। फिर मोलैरिटी आपको बताइए 2, 10 को वैसे रहने दीजिए, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट हमें कैलकुलेट करना है तो उसको ऐसे रहने देंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताइए क्या होता है, हाँ अभी तो कैलकुलेट किए थे कितना आया था, 60, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका, 12%। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, 2-3 लाइन में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और इसमें टाइम लगेगा। तो अब आपकी चॉइस है, फॉर्मूला याद रखिए या भूल जाइए, हम सजेस्ट करेंगे आप याद रखिए। चलिए उतने नहीं, एक और फॉर्मूला, अभी तब कह रहे हैं सर कितना फॉर्मूला पढ़ेंगे मोलैरिटी के, मोलैरिटी के बहुत सारे फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको ये मोलैरिटी देखने को मिलता रहेगा, किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा, किसी चैप्टर में हो सकता है ना भी मिले, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स में आपको मोलैरिटी देखने को मिलता रहता है फिजिकल केमिस्ट्री के। तो आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी सारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। देखिए न्यू फॉर्म ऑफ मोलैरिटी, ये बहुत सिंपल सा है और ये बहुत काम का भी है, ये हमारे बहुत ही काम का। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहला काम, हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हमारे क्वेश्चन में 90% टाइम हमें वॉल्यूम किसमें दिया जाता है, मिलीलीटर में। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूले को मिलीलीटर के लिए ही बना ले, हम क्या लिख लेंगे, N2 अपॉन V3। लीटर को मिलीलीटर बनाना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1000, कर सकते हैं, सही है। चलिए जब आप ये कर सकते हैं तो आप एक चीज़ और देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में मोल्स दिया है तब तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए डायरेक्ट। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है क्वेश्चन में तो उस टाइम पे क्या करिए, इसको भी मास में कन्वर्ट कर लीजिए। बताइए N2 क्या है हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं क्या। तो देखिए अब हम N2 की जगह पे क्या लिखेंगे, W2 अपॉन, अच्छा इसका अपॉन कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी कि मोलर मास MM2 इंटू ऊपर क्या है 1000 और नीचे क्या बचा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये अब किस में है, मिलीलीटर में है, तभी तो ये 1000 आया है। हाँ तो बस एक छोटा सा ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये फॉर्मूला तो आपको बस देख के लगाने आना चाहिए। जहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा आप उसको मास में कन्वर्ट कर लीजिए, हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में उसको क्या बना लीजिए, मिलीलीटर में, और आपने वैल्यू को पुट करिए क्वेश्चन सॉल्व। तो अब आपको जो फॉर्मूला मिला है मोलैरिटी का वो है W2, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रहे 2 हमेशा हम सॉल्यूट को यूज कर रहे हैं, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ 2 यानी कि सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V3, लेकिन इस बार ये किस में रहेगा, मिलीलीटर में, इसीलिए हमने यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई किया है, कर सकते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हमारे काम को थोड़ा सा आसान करेगा।
देखिए आपके पास यही चीज यहाँ पर डिफाइन करके लिखा गया है, मोल मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है ना, अपॉन थाउजेंड सॉरी इंटू थाउजेंड यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि ये लीटर के बजाय किसमें लिखा गया है, मिलीलीटर में। तो बस छोटा सा फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अब आप ट्राई करेंगे। देखिए क्या दिया है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 20 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस NaOH। कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के बनाया गया है, ठीक है, और 80 ग्राम क्या है उसमें, वाटर है। तो चलिए लिख लेते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा ना, आइए हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 20 ग्राम और दिया हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी, यानी कि 80 ग्राम, ठीक है। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.1। हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि D3 दिया है, कितना, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो कह रहा है मोलैरिटी कैलकुलेट करिए, बताइए मोलैरिटी के लिए यहाँ मोल्स दिया है नहीं, हम फॉर्मूला कौन सा लगा लें, मास वाला, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह अब क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू थाउजेंड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अभी हमने ये फॉर्मूला बनाया था, ध्यान से देखिए, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ये थाउजेंड है इसलिए ये मिलीलीटर में लिख दिया हमने, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब हमें देखिए क्या चाहिए, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए W2 चाहिए, है हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो निकाल लीजिए, MM2 क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, किधर गया, हाँ, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 ग्राम। और क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V3 चाहिए। देखिए आपको डेंसिटी मालूम है ना, तब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो मास भी किसका लेंगे हम, सॉल्यूशन का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1.1, मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए कितना आएगा, इसमें बताइए W1 और W2 में मास ऑफ सॉल्यूशन कौन है, हाँ कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन यही कैलकुलेट करना होगा। W3 कैसे निकालते हैं, W1 प्लस W2 सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। चलिए तो यहाँ उठा के रख देंगे हम 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, तब V3 लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए V3 की फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 1.1, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 11। देख लीजिए हाँ वैल्यू जो करे सब सही रखा ना हमने, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 1000/11, ये वैल्यू किसकी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की है, जो कि किसमें होगी, मिलीलीटर में। तो बस अब क्या करिए, अपना वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम इंटू थाउजेंड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, कैलकुलेट किए थे कितना आया था, 11/1000 आया था, 1000/11 आया है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 और इसका 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए 1000 से 1000 कैंसिल, 20 से 40 कैंसिल, 2 टाइम्स में 2 से 11 को डिवाइड करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, ये हो जाएगी इसकी मोलैरिटी। अब आप आंसर चाहे तो मैच कर लीजिए, देखिए देखिए आंसर आ जाएगा आपका 5.5 मोलर, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया था, अच्छा दिया नहीं था, एक और तरीका है, उसमें आपने क्या किया, वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट कर लिया, कैसे, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 20 ग्राम दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्वेंट 80 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम अपॉन 100 इंटू 100%,
सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 20। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी यूज कर वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, इसे थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर वगैरह दिया हुआ है, तो आप घर पर ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट, नॉट सल्फेट, सल्फेट इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 400 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आप एक बार इसको ट्राई करें फिर हम डिस्कस करते हैं। 36 मिनट्स, ओके। सो आपने डिस्कस कर लिया होगा, हाँ आपने ट्राई कर लिया ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या डिटेल्स है हमारे पास, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 408 ग्राम, ठीक है, यानी कि मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट है कितना 408 ग्राम। ये सॉल्यूट को 2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन एनफ वाटर टू फॉर्म 3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है कितना 3 लीटर बस। और हमसे पूछ रहा है ये है क्या कैल्शियम सल्फेट है, हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है। तब बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से देखिए, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में पहले से दिया है, तो आप चाहें तो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, W2 अपॉन मोलर मास। W2 का आपको वैल्यू दिया है 308 ग्राम, यही दिया ना, सॉरी 408 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैल्शियम सल्फेट का निकाल लीजिए, कैल्शियम का 40, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 64, टोटल सॉल्व करेंगे 96 एंड 40, आई थिंक 136 आना चाहिए। आप कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए कितना मिलेगा आपको 3, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मिल गए आपको कितने 3, तब यहाँ उठा के रख दीजिए 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में कितना दिया है ये 3, 1 आ गया इसका आंसर 1 मोलर। एक तो ये तरीका, दूसरा भी जो हमने आपको सिखाया था, अगर मास दिया है तो मोलैरिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करिए, सबसे बढ़िया क्या है, W2 इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। कैसे आपको पता चलेगा यहाँ मिलीलीटर लिखना है, क्योंकि यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई किया जा चुका है, ठीक है, और ये तो वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट का ही फॉर्मूला यहाँ रखा गया है। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पे तो मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था 408 ग्राम दिया था, तो 408 × 1000 अपॉन मोलर मास कितना निकाले थे अभी 136 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। आपके पास क्या है 3 लीटर है, उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको इसको क्या बनाना होगा, मिलीलीटर, यानी कितना बन जाएगा ये 3000 मिलीलीटर। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए 3000, देखिए 000 से 000 कैंसिल, आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 136 टाइम में कैंसिल होगा, फिर 136 से 136 भी कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 1 मोलर। तब कोई भी तरीका यूज करिए, कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर हर बार सही ही आएगा, यूनिट्स का को ध्यान रखना होगा, कर सकते हैं। चलिए आंसर देख लीजिए, 1 मोलर। चलिए अब ये आपका होमवर्क टाइम है, आप आराम से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से इसके होमवर्क सॉल्व करेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैरिटी। हाँ अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्या था, मोलैरिटी था, क्या था वो, मोलैरिटी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दैट इज मोलैरिटी। अब दोनों का डिफरेंस पहले ध्यान समझिएगा,
टॉपिक तो हम समझा ही देंगे। दिक्कत कहाँ आती है? दोनों के डिफरेंस में, क्योंकि बच्चे इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर R है और यहाँ पर L है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो देखिए मोलैरिटी क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, आप देख लीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप ऐसे रख दीजिए, आपने इसको फॉर्मूले से लिख लीजिए। मोलैरिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैरिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी को मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अगर हम आपको साफ साफ शब्दों में लिखें तो आप ये लिखेंगे कि सर मोलैरिटी इज डिफाइंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स होंगे सॉल्यूट के, वो हमें क्या देता है? मोलैरिटी। क्या देता है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी में भी आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तभी सोच रहे होंगे सर फिर दोबारा लिखा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व्ड, आप कुछ भी लिख लीजिए इन, देखिए यहाँ क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन था ना, हाँ यहाँ हम लेंगे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, दो चीज़ों का डिफरेंस, एक यहाँ हम वॉल्यूम से डील करते हैं, यहाँ हम वेट से डील करेंगे, यहाँ 1 लीटर ले देते हम यहाँ पर 1 किलोग्राम लेंगे, दूसरा हम यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस करते थे, यहाँ पर हमेशा एंड हमेशा हम क्या लेंगे? सॉल्वेंट। एक बात, दूसरा डिफरेंस, अब देखिए इसकी यूनिट ये हो जाएगा मोल पर वॉल्यूम है था ना, क्या आ जाएगा? लीटर। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? हाँ मोल पर सॉल्वेंट है ना, मास लेंगे तो क्या लेंगे? वो किलोग्राम। दूसरा, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मोलैरिटी, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो भी बढ़ता घटता रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बढ़ाते हैं टेम्परेचर को तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनके पीछे गैप बढ़ जाता है, आपने पढ़ा ना एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, हाँ तो उसी की वजह से, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता रहता है, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो बताइए मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, हाँ लेकिन मोलैलिटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी में तो दोनों मास ही हैं, एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो नंबर तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या हो सकता है? मास। क्या मास? मान लीजिए 10 ग्राम लोहा है, आपने उसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया तो हीट होने के बाद क्या वो 10 ग्राम से कम या ज़्यादा हो सकता है? नहीं, वो तो अभी भी 10 ग्राम ही रहेगा। इसलिए मोलैलिटी, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वेयर एज मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये छोटे सा डिफरेंस है आपको याद रखना होगा। मोलैरिटी को हम मोलर भी लिखते हैं, इन द सेम वे मोलैलिटी को हम मोलल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मोलल, और इसको हम क्या लिखते हैं? मोलर, यहाँ आर यहाँ पर एल। तो चलिए बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 किलोग्राम NaCl है, ठीक है, इसमें मैंने 2 मोल्स ऑफ X के मिला दिए हैं, कोई एक एलिमेंट है या कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका नाम हमने नहीं दिया, X मान लेते हैं, अगर उसके 2 मोल्स हम 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड में मिलाएं तो बताइए उसकी मोलैलिटी कितनी आएगी? 2 मोलल आएगी, या 2 मोल पर किलोग्राम आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए मोलैलिटी क्या होती है,
एक किलोग्राम सॉल्वेंट में आपने कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाया? आपने दो मोल सॉल्यूट मिलाया ना एक किलोग्राम में, इसलिए इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी? टू। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 5 किलोग्राम NaOH में मान लीजिए 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाता हूँ, कितने 20 मोल्स, तो बताइए इसकी मोलैलिटी कितनी आएगी? हाँ चेक कर लीजिए, 5 किलोग्राम NaOH में 20 मोल्स हैं, लेकिन हमें तो देख के बताना होता किसके लिए, वन के लिए ना। देखिए 5 किलोग्राम इज हैविंग 20 मोल्स, तो 1 किलोग्राम में कितने मिल जाएंगे आपके 4 मोल्स, 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 किलोग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 4 मोल हैं, इसलिए इसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 4 मोल पर किलोग्राम, या 4 मोलल हो जाएगी। कर सकते हैं एग्जैक्ट, मतलब आपको समझ में आया मोलैलिटी क्या है? चलिए बाकी फॉर्मूला तो हम बना ही लेंगे। देखिए फॉर्मूला तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए मोलैलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एन टू अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डब्लू वन, वो भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। अच्छा इन जनरल अगर हमें मास दिया है यानी कि मोल्स नहीं दिया है, तो हम N2 को क्या लिख सकते हैं? W2 अपॉन MM2 लिख सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ये किलोग्राम में दिया है, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं लैब वगैरह में तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना, यानी कि हम इसको ग्राम में ही डील करते हैं, तो बताइए इसको ग्राम में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला किसका? मोलैलिटी का। आपको डिफरेंस कैसे समझ में आएगा? जो मोलैलिटी है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मोलैलिटी है उसको हम स्मॉल M से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? कर सकते हैं, तो चलिए आइए। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आप यहाँ पे इन ब्रैकेट किलोग्राम मेंशन कर लीजिएगा, नहीं तो आपके माइंड से उतर जाएगा। तो देखिए एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन W1 क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बस यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। ये देखिए फॉर्मूला वही आ गया आपका, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू W2 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन W1। और अब हमारा सॉल्वेंट किस में लिया जाएगा? ग्राम में। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी किस पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, किस पे डिपेंड करेंगे? देखिए मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्यों डिपेंड करता होगा? क्योंकि मोलैरिटी में हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जबकि जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। आपको लॉजिकल रीजन क्लियर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है? मास से डील करती है, अपॉन में मास लेते हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना टेम्परेचर चेंज करिए, मास तो बदलेगा नहीं, क्योंकि मास नहीं बदलता, इसलिए उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड। हाँ अब हम एक छोटा सा कीवर्ड देखेंगे। आपको आए दिन कभी कभार जब आप अच्छे क्वेश्चंस करेंगे या कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको एक टर्म मिल जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उसका क्या मतलब होता है केमिस्ट्री के टर्म में? आइए समझते हैं। देखिए इट कैन बी डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर की डेंसिटी ले लें, कब? 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, एकदम कन्फर्म है। हाँ अगर हम उससे कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने का मतलब उससे उसको डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। देखिए क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देना डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस
विथ रिस्पेक्ट, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा कितना रहेगा? 1 ग्राम पर मिलीलीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब बताइए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी आपको दी गई है 5 ग्राम पर ml। ऐसा आर्बिट्री वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है। हमने इसे रैंडमली मान लिया किसी भी एक सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है 5 ग्राम पर ml, और आपसे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जा रही है, तो आप क्या करिए उसी की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करिए, यानी कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर से डिवाइड करिए। इस 1 से कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए, ये यूनिट और ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी, आपको वैल्यू क्या मिलेगा? सिर्फ 5 मिलेगा। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी एलिमेंट की डेंसिटी 2 है, 2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो आप कह सकते हैं कि सर उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? सिर्फ 2, कोई यूनिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूनिट टू यूनिट कैंसिल हो गया था ना। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? एक छोटा सा नंबर है, वो नंबर हमें ये बताता है कि वो वाटर की डेंसिटी से कितने टाइम्स ज़्यादा या कम है। ये कितना हो गया? 5 टाइम्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, समझ में आया आपको? अब मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है, उस वाई है, उसकी डेंसिटी आपको दी गई है लेट से 1.7 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपसे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जा रही है, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1.7। ध्यान रहे, अगर आपने फिर से ग्राम पर मीटर बोल दिया तो आपका गेम हो जाएगा, क्योंकि वो तो डेंसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में बस इतना सा अंतर है, डेंसिटी में यूनिट रहेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होती है, उसमें कोई यूनिट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि देखिए, आप क्या लिखेंगे, 1.7 ग्राम पर मीटर डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो फिर देखिए यूनिट टू यूनिट कैंसिल, 1 से कोई मतलब नहीं, यही नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमें कई बार स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी कि अगर आपको दे दिया जाए किसी एलिमेंट की एसजी की वैल्यू, मान लीजिए दिया 1.1, इतने दिया बस, या फिर आप ले लीजिए 1.17, तो आपको यहाँ से उसकी डेंसिटी निकालने आनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं सर उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1.17 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगी। हाँ, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, यानी कि वो आपको डेंसिटी दिया हुआ है, ये इनडायरेक्टली दिया गया है, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, और डेंसिटी से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी हमेशा यूनिट के साथ रहेगी, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम विदाउट यूनिट लिखेंगे। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? एक्चुअली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होती है, आप इसी के आगे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, विदाउट यूनिट। जब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी बिना यूनिट लिख दें, तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। इट इज़ यूनिटलेस एंड इट इज डिवाइन फॉर सॉलिड लिक्विड एंड एक्वस सोल्यूशन। एक्चुअली जो हम डेंसिटी टर्म यूज करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस या एक्वस सोल्यूशन के लिए, वो हमें केमिस्ट्री टर्म में डेंसिटी बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमें उसको नया वर्ड देना चाहिए, कौन सा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन क्योंकि वो हमारी आदत में है तो हम बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। ये बात ऐसे ही है स्मेल और ऑर्डर वाली। हाँ, कौन सी? स्मेल और ऑर्डर वाली। स्मेल का मतलब हम समझते हैं डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, ऑर्डर का भी मतलब वही होता है। डिफरेंस क्या है? ऑर्डर एक केमिस्ट्री रिलेटेड टर्म हो जाता है, वैसे ही। और डेंसिटी किसके लिए डिफाइन होता है? गैसियस स्टेट के लिए, यानी जब हम गैस के साथ डील करते हैं वहाँ हम डेंसिटी उसको बोलते हैं। अब बताइए, एक एग्जांपल है मेरे पास, इफ एनी सब्सटेंस हैज 3 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी, अब बताइए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 3। अब इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज 2, अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है तो उसे डेंसिटी कितनी आएगी? 2 ग्राम पर मिलीलीटर। कर सकते हैं, चलिए। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आपको एक छोटा सा होमवर्क दे के आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है क्वेश्चन, इफ 2.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है W2, कितना? 2.8 ग्राम, इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का मास दिया हमें कितना? 200 ग्राम।
कैलकुलेट मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी निकालना है। तो देखिए एक तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्या कहता है वो मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, हाँ मोलैलिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आप चाहे तो इसको यूज कर लीजिए, इसके लिए आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए इधर अपने, कितना आएगा मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 2.8 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो देखिए इसका मोलर मास कितना है, 39,140 and 1656। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स ये 0.1 यानी कि 0.05 आएगा क्या, हाँ लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.05 आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 0.05 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, आपको ग्राम में दिया है आप उसको भी चेंज कर लीजिए किस में, किलोग्राम में। तो देखिए 200 ग्राम अपॉन 1000 करेंगे तो ये 2020 कैंसिल, 2 यानी कि 1/5 जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.2। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा ना। तो देखिए 10 से ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इस 5 से इसको उड़ा दीजिए 2, ये हो जाएगा 2×2=4 यानी कि वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1/4। उसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए कितनी हो जाएगी, 0.25 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम 0.25। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम या मोलल, MOLAL। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा जो हम सिखाया था आपको फॉर्मूला में, अगर मास है तो आप मास में कन्वर्ट करके लिखिए, क्या था वो, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्यों ग्राम, क्योंकि 1000 का मल्टीप्लाई हो चुका था। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया था कितना, 2.8 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 56 इंटू W1 की वैल्यू कितनी थी, 200। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सिंपल सा हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 2.8 इंटू 10 को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया 28 अपॉन 56 इंटू 2, देखिए 28 से इसको डिवाइड करिए 2 टाइम्स में, क्या मिल गया आपको 1/4। और इसको भी सॉल्व कर देंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 0.25 मोलल आएगा या 0.25 मोल पर किलोग्राम आप लिख सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना, आसान था। चलिए आंसर एक बार मैच कर लीजिए, दिस इज द आंसर 0.25 मोलल। एक और क्वेश्चन है मेरे सामने, एक मिनट हम टाइम देख ले कितना हो गया आप लोग का, वीडियो 58 मिनट्स हो गए हैं। चलिए हम इसको यहीं रोकते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप एक बार घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर तो आपको दिखाया नहीं, चलिए ठीक है, ये आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट आप यूज करिएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा, सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक एक या दो लेक्चर और लगेगा उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टिल दैट थैंक यू सो मच।